प्लीज। अच्छा बताओ, समीन ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं किया होगा, मुझे पता है। तो जो कुछ हुआ है वो यही चाहती थी। वाह, समीन को इस घर से निकालने का जश्न मनाया जा रहा है ना? आपने दोबारा बकवास शुरू कर दी है। बकवास ये नहीं है जो मैं कर रहा हूं, बल्कि बकवास वो है जो इस वक्त तुम दोनों कर रहे हो। अच्छी तरह समझ गया हूं, बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम दोनों मिलकर मुझे और समीन को बेवकूफ बना रहे हो। अब गलत समझ रहे भाई यार, कसम से। तो सही क्या है? क्या है सही? ये यहां पे क्या कर रही है? अकेली तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? जवाब है तुम्हारे पास? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। भाई अपनी सोच को इतना भी आजाद मत छोड़े कि बाद में आपको पछतावा। ये इस कमरे में क्या कर रही है या आप इससे पूछें, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। असल में मैं आपको समझाती हूँ। मुझसे अम्मी जान ने कहा था कि फराज के रूम की, उससे कबर्ड की सेटिंग कर दो, तो मैं बताने आई थी कि मैंने कर दिया। क्या लगता है मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता? तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, हर सच झूठ पर यकीन कर लूंगा। इसकी बात पर आपने यकीन नहीं करना तो मेरी बात पर कर लें। ये मेरे लिए सिर्फ आपके रिश्ते की वजह से काबिल एहतराम है, वरना कैसे कर लूं यकीन मैं तुम्हारी बात पर? ये सब देखने के बाद, और अगर तुम सही कह रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी नेक और पासा बीवी को इस घर से क्यों निकाला? बताओ, जवाब है तुम्हारे पास? असफंद, या फिर ये मान लो कि ये जो हो रहा है ये हकीकत है। असफंद, अपनी जुबान को लगाम दो, वरना क्या करोगे? हाथ उठाओगे अपने बड़े भाई पर जिस तरह पहले उठाते आए हो? अपनी हदें पार करोगे? इसके लिए तो करो आज अपनी हदें पार, उठाओ मुझ पर हाथ। असफंद, मैं कह रहा हूं जुबान संभाल के बात करो।